अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान और आप देख रहे हैं पाक लर्निंग ट्यूब्स यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ये वाली शीट फिल करनी जो कि आपको आपके बोर्ड से मिलती है। तो कंप्लीट मैं आपको तरीका बताऊंगा, कंप्लीट ये शीट है, इसको आपने कैसे फिल करना है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी शीट है, ठीक है। तो यही शीट आपको बोर्ड में मिलेगी, तो मैं कंप्लीट आपको तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे इस शीट को आपने फिल करना है। तो वीडियो को आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पर इसको शेयर कर देना है। 2 से 4 मिनट की वीडियो होगी, इंशाल्लाह ताला इसमें कंप्लीट मैं आपको गाइड कर दूंगा। जी तो स्टूडेंट, ये वो शीट है जो कि आपको बोर्ड से मिलेगी, ठीक है। ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स को मिलती है। तो इसकी फ्रंट और बैक साइड आप देख लें, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है, और यहाँ पर इसकी जो है मेन चीज़ है, ठीक है, जो इसको नहीं आपने इस दफ़ा फिल करना है। तो कंप्लीट मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे इसको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखिए, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है डेट, यहाँ पर आपने अपनी डेट लिखनी है, ठीक है, जो भी आपकी जो आपका पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने तारीख लिखनी है, जो भी आपकी तारीख हुई, ठीक है। तो बिल फर्ज करें यहाँ पर 28, तो आपने 2 और 8 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मंथ आपने लिखना है अपना, जो भी आपका मंथ है वो लिख देना है। यहाँ पर वाई वाली जगह पर आपने अपना ईयर लिखना है। तो यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट टाइम पेपर है तो आपने मॉर्निंग, अगर सेकंड टाइम पेपर है तो इवनिंग, ठीक है। यहाँ पर अपने डेट लिखनी है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी डेट लिख देनी है, और जो बॉक्स है उसी में लिखना है, उसके बाहर नहीं आपने कुछ भी लिखना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मैट्रिक, ठीक है। तो मैट्रिक यहाँ पर जो दायरे आपने फिल करनी है, ठीक है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर, अगर आप 9वीं 10वीं के स्टूडेंट हैं आपने इसको फिल करना है, अगर आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो आपने इसको फिल करना है, ठीक है। तो अगर आप 9वीं के स्टूडेंट्स हैं तो आपने पार्ट 1 को फिल करना है, ठीक है, मैट्रिक पार्ट 1, अगर आप 9वीं के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो आपने मैट्रिक पार्ट 2, ठीक है। अगर आप 11वीं के स्टूडेंट्स हैं आपने इंटर पार्ट 1, अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपने इंटर पार्ट 2। तो पेपर जो है 28 तारीख को वो 9वीं का है, तो मैं 9वीं का बता दूं कि उन्होंने क्या किया, आपने बबल फिल करनी है। तो उन्होंने मैट्रिक वाला दायरा फिल करना है, इसके बाद पार्ट 1, ठीक है, जो कि आपका 9वीं जमात है, ठीक है। ये जमात होती है आपकी 9वीं और 10वीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल या सप्ली, तो आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपने एनुअल का दायरा फिल करना है। अगर आप सप्ली में पेपर दे रहे हैं तो आपने सप्ली का दायरा फिल कर देना है। तो यहाँ पर फिर आपसे पूछा जा रहा है मॉर्निंग के इवनिंग, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम पेपर है तो आपने मॉर्निंग वाला दायरा फिल करना है, अगर आपका सेकेंड टाइम पेपर है तो आपने इवनिंग का पेपर जो है उसका दायरा फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो आपका पेपर हुआ उसको आपने लिख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर बायोलॉजी का है तो यहाँ पर आप बायोलॉजी लिख सकते हैं, जो अगर कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन हदायत लिखी होती है कि आपने कैसे इसको फिल करना है। तो सही तरीका बबल को फिल करने का ये वाला है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं ये बता दूं कि आपने अपना रोल नंबर कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने इन बॉक्स में अपना रोल नंबर लिख लेना है वर्ड में, ठीक है, जो कि आपके हिंसे होते हैं उनमें आपने अपना यहाँ पर रोल नंबर लिख लेना है। 6 हिंसों का आपका रोल नंबर होगा, उसको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। एक बॉक्स में आपने अपना एक वर्ड लिखना है, ठीक है। बाद में यहाँ से आपने अपने दायरों को फिल करना है, ठीक है। तो दायरों को आपने ध्यान से फिल करना है, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाद स्टूडेंट इसको एक समझ के फिल कर देते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपने पहले अपना रोल नंबर लिख लेना है, उसके बाद आपने यहाँ से दायरे फिल कर देने हैं। तो इसके बाद ये आपका पेपर कोड है, ये आपको MCQs का जो आपका पोर्शन होगा जो आपको दिया जाएगा ना, उस पर आपका पेपर कोड लिखा होगा। सबसे पहले आपने अपना पेपर कोड यहाँ पर लिख देना है, 4 हिंसों का पेपर कोड होगा, यहाँ पर आपने जल्दी से लिख देना है और उनके बबल फिल कर देने हैं। अब जो मेन हिस्सा है नीचे वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम, आपने अपना नाम लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई वर्ड मुश्किल नहीं, लेकिन आप इंग्लिश में ही लिखें अपना नाम, ठीक है। अपना नाम आपने यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, जो कि आपकी रोल नंबर स्लिप पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, और कैपिटल वर्ड में लिखना है, ठीक है, बड़े हरूफ में लिखना है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपने अपने फादर का नाम लिखना है, ठीक है, और बड़े हरूफ में लिखना है, ठीक है, कैपिटल वर्ड में। यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है इन वर्ड, ठीक है, उर्दू में या इंग्लिश में आपने अपना रोल नंबर लिखना है, गिनती में अपना रोल नंबर नहीं लिखना। यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, जो कि आपने अपनी रोल नंबर स्लिप पे किए हैं, ठीक है, वो वाले सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं, और यहाँ पर जो आपका सुपरिटेंडेंट होगा वो यहाँ पर आपके सिग्नेचर करेगा। अब जो मेन चीज़ है, यहाँ पर इस दफ़ा जो है 2021 में बोर्ड वालों ने जो यहाँ पर जो हिस्सा आता है मेन, ठीक है, आपका नाम वगैरह ये वो, ये सारी जो है ना इस दफ़ा आपसे फिल नहीं करवाया जा रहा, ठीक है, 2021 में। मज़ीद आपने पेपर जो है, जब आपको शीट मिलेगी तो आपने पूछ लेना है उनसे कि क्या क्या चीज़ हमें फिल करनी है। तो यहाँ पर आपसे एक थंब लगवाया जाएगा, यहाँ आपके जो है दस्तखत लिए जाएंगे, ठीक है। तो मज़ीद आपकी ये वाली शीट है, तो इसकी बैक साइड मैं आपको बता दूँ कि आपने क्या क्या वाला फिल करनी है। तो बैक साइड पर सिर्फ आपने आपका ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको फिल करना है, इधर, ठीक है, इतना हिस्सा, नीचे वाला हिस्से को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। ये आपके बोर्ड जो है वो इसको फिल करता है, यहाँ पर आपके नंबर्स वगैरह हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका पेपर कोड है, पेपर कोड आपका MCQs वाले जो पेपर आपको मिलेगा उस पर लिखा होगा। तो सबसे पहले आपने अपना पेपर कोड लिख लेना है और उसके यहाँ पर दायरे फिल कर
देने हैं। यहाँ पर आपने वर्ड लिखना है पहला, तो उसका जो आपका बबल है उसको फिल कर देना है, ठीक है। वैसे ही दूसरा कोशिश करें कि यहाँ पर आप लिख लें अपना पेपर कोड, बाद में अपने बबल फिल कर लें, ठीक है। तो मज़ीद आपको मैं बता दूं कि आपका ये जो पार्ट है, ठीक है, ये आपके MCQs हैं। आपने जो MCQs है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा, आपने उन पर टिक नहीं लगाना। MCQs के यहाँ पर आपने अपने बबल फिल करने हैं, ठीक है। तो अगर आप उन पर टिक लगाते हैं, इन बबल्स को फिल नहीं करते, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इन बबल्स को फिल करना है, उन जो पेपर मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उस पर आपने ज़रा सा भी निशान भी लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के नंबर लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है। तो ये वाला पहला ऑप्शन है, तो इसका अगर ए है तो आपने ए वाला दायरा फिल कर देना है, ठीक है। कोशिश करें जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है, जो उसका आंसर हो उसका सिर्फ आपने डॉट लगा लेना, जैसे कि दूसरे का बी इसका डॉट लगा लें, तीसरे का सी इसका डॉट लगा लें, ठीक है। ऐसे ही बाकी सबके डॉट लगा लें, जितने भी आपके MCQs हैं, ठीक है। बाद में उनके दायरे फिल करते दीजिएगा, क्योंकि आपको जो होता है ना ऑब्जेक्टिव टाइम, उसका 20 या 25 मिनट टाइम होता है, ठीक है। MCQs के नंबर पर डिपेंड करता है, तो वो आपसे वो वापस ले लेते हैं। अब जो मेन चीज़ है कि आपने पेपर लेफ्ट साइड से शुरू करना है कि राइट साइड से शुरू करना है। तो अगर आपका पेपर होगा उर्दू का, ठीक है, तो आपने करना है राइट साइड से, अपना यहाँ से पेपर शुरू करना है, ठीक है। अगर आपका पेपर होगा इंग्लिश में, इंग्लिश का पेपर होगा, यानी कि अगर आप बायोलॉजी इंग्लिश में रखी हुई है तो इंग्लिश में यहाँ पर पेपर देंगे, तो यहाँ से आपने अपना पेपर को हल करना है। मज़ीद मैं पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से वीडियो दे रहा हूँ, उसको भी आप चेक कर लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। अब मैं इस बबल शीट को फिल करके आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे इसको फिल करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जी तो स्टूडेंट, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो बबल शीट है इसको फिल कर दिया गया है। यहाँ पर डेट लिखी गई है और टिक नहीं है आपने लगाना, बबल शीट फिल करनी है, ऐसे बबल फिल करनी है, ठीक है। बबल फिल करनी है, टिक नहीं लगाना। ये मैंने बच्चे को दी थी 9th K को, तो उसको मैंने कहा फिल करो, तो उसने फिल किया है। तो ये सब ऐसे आपने फिल करना है, ठीक है, देख लें आपका। तो मज़ीद आप वीडियो को रोक के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ कि पेपर कोड, यहाँ पर आपने अपने MCQs फिल करने हैं। तो MCQs उसने नहीं फिल किए, क्योंकि मैंने MCQs उसको फिल करने का नहीं कहा था। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आपने हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और यार हमारी मोटिवेशन के लिए आपने इसे अपने दोस्तों में शेयर करना है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक वगैरह पर, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।